हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे गांव में है भंडारा और जिसके लिए बनी हुई चंबियाली धाम। और आज हम बना रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल चंबा की चंबियाली धाम। तो चंबियाली धाम में क्या क्या डिशेस बनती हैं जिसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हमारे मानी के लिए तड़का तैयार हो रहा है। ये हमारे राजमा, ये हमारी खीर, ये हमारी दालें, ये मूंग की दाल, इसमें है मूंग की दाल, और ये है चने की दाल। ये कड़ी, इसमें बनेंगे चावल। ये है कड़ी जो कि थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो रही है कड़ी। आज हमारे गांव में भंडारा है जिसके लिए आज यहाँ धाम बन रही है, लंगर लगा हुआ है आज। ये हमारी खट्टी के लिए अमचूरा, हमारे गांव के बुजुर्ग पास खेलते हुए और टाइम पास करते हुए अपना सारा काम कर बैठे हैं। तो मान लिया अब हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले ये आए चावल, और गाइस मुझे चंबियाली धाम खाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। जिसके कारण जितनी भी डिशें बनी थी मैंने दो दो कर चीज ली। अब राजमा के बाद जो दूसरी डिश थी वो थी मूंग की दाल। उसके बाद मेरे चावल खत्म हो गए और मैंने थोड़े से चावल लिए। और जो तीसरे नंबर की डिश थी वो थी चने की दाल, वो छीन ली थी क्योंकि जो खट्टा होता है मानी उसके साथ चने की दाल खाने का बड़ा ही मस्त मिक्सचर बनता है। मानी का नहीं अंदर चने चने के बाद जो नेक्स्ट डिश थी वो थी कड़ी, जिसको कि गाय की लस्सी से बनाते हैं। ये कड़ी खाने को बहुत ही टेस्टी होती है जिसकी मैंने दो ही करछी ली थी। अब उसके बाद आया खट्टा और बात, जिसको हम कहते हैं अपनी चंबियाली लैंग्वेज में मानी। मैंने चने की दाल की दो कड़छियाँ इसलिए ली हुई थी क्योंकि मानी के साथ चने की दाल और मानी का मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, खाने का बहुत ही मज़ा आता है। किन्ने दिनों बाद मैंने धाम खाई थी जो कि इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि मैंने एक दाना भी चावल का पत्तल में नहीं रहने दिया था।